हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताएंगे आपके लिए बीएमएस कोर्स अच्छा रहने वाला है या बीएचएमएस कोर्स रहने वाला है अच्छा। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सर हमें बीएचएमएस करना चाहिए या बीएमएस करना चाहिए, सर हमारे तो गवर्नमेंट में बीएचएमएस में नंबर पड़ रहा है, क्या हम सर प्राइवेट बीएमएस को रहें जिससे कि हमारे आगे जाने के बाद दोस्तों अपॉर्चुनिटी अच्छी रहें, आगे फ्यूचर अच्छा रहे, क्या इनका दोस्तों करियर स्कोप रहने वाला है, कितनी इनकी सैलरी रहने वाली है, कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है, आइए जानिए इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों आपको बताऊंगा बीएमएस के बारे में। बीएमएस कोर्स को तो आप जानते होंगे, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड साइंस। दोस्तों इसके नाम में दोस्तों आयुर्वेदा है तो आप मान सकते हैं इसमें दोस्तों आयुर्वेदा की स्टडी होगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे बीएचएमएस के बारे में। बीएचएमएस आपको पता है होम्योपैथिक कहलाता है दोस्तों, जो कि होम्योपैथिक के डॉक्टर बनते हैं। दोस्तों एक सीधी सी बात है, हम इन दोनों कोर्स करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, अपने क्लिनिक खोल सकते हैं और दोस्तों हॉस्पिटल में भी वर्क कर सकते हैं। इसके बाद काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सर कौन सा बहुत अच्छा है, कौन से में वैल्यू ज़्यादा मिलती है, सर कौन सा कोर्स करें जिससे कि हमें आगे जाके नौकरी ढूंढने में दिक्कत ना हो, कौन से कोर्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों ही कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आते हैं। आयुष के अंदर आने का फ़ायदा है दोस्तों इनका, मतलब अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको प्रमोट कर रही है। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सर आयुष के अंडर तो आ रहे हैं परंतु आयुष की जो सरकार है वो किसको प्रमोट कर रही है आयुष गवर्नमेंट के अंदर। दोस्तों आपको पता ही है बीएमएस को अभी आयुष कोर्सेज में अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आज के टाइम में दोस्तों बीएमएस की ज़्यादा नौकरी निकल रही है एज कम्पेयर टू बीएचएमएस, परंतु दोस्तों ऐसी बात नहीं है, बीएचएमएस बहुत बुरा है क्या, वो बहुत ज़्यादा ही बेकार है, हमें करना ही नहीं चाहिए। बीएचएमएस में भी दोस्तों बाकी सारे स्कोप्स हैं, आगे जाके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, कमा सकते हैं, परंतु दोस्तों जो बीएमएस की बात हो बीएचएमएस के आसपास भी नहीं भटकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आइए जाने डिटेल स्लाइड्स में, जान के आपको क्या पता लग जाएगा कौन सा अच्छा रहेगा कौन सा अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बिल्कुल एक डाटा लेके आपके लिए बना के रख रखा है जिससे कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे दोस्तों कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। दोनों ही दोस्तों 5.5 साल के कोर्स हैं जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप आपकी कंपलसरी है। ये तो दोस्तों दोनों के लिए सेम पॉइंट चल जाता है, 5.5 साल के कोर्स है। अब दोस्तों फीस की बात आती है, जब फीस की बात आती है तो दोस्तों बीएमएस थोड़ा पीछे हट जाता है, मतलब बीएमएस की थोड़ी फीस ज़्यादा हाई मिलती है आपको एज़ कम्पेयर टू बीएचएमएस, तो मान सकते हैं आप इसमें फीस ज़्यादा है दोस्तों बीएचएमएस के कंपेरिजन में यहाँ पर कम है, ठीक है। फीस एक्सपेंस आपको खर्चा किस में ज़्यादा लगेगा, कौन सा आपको अफोर्डेबल पड़ेगा, दोस्तों आपको बीएचएमएस ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ेगा बीएमएस के कंपेरिजन में। फ्यूचर स्कोप, अब जैसे कि आपको बताया दोस्तों वीडियो की शुरुआत में, आयुष सरकार दोस्तों जिस हिसाब से आयुर्वेदिक डॉक्टर को प्रमोट कर रही है, आए दिन उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज निकाल रही है दोस्तों, उसके हिसाब से दोस्तों बीएमएस के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट प्लस पॉइंट बन जाता है बीएमएस के डॉक्टर्स के लिए कि दोस्तों आप बीएमएस कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। परंतु दोस्तों आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, जो इतने भी दोस्तों बीएचएमएस के कॉलेज हैं दोस्तों एज़ कम्पेयर टू आयुर्वेदा के कॉलेज से दोस्तों कम है, बीएचएमएस के स्टूडेंट्स जो हैं दोस्तों वो कम है आयुर्वेदा के कंपैरिजन में, मतलब आपका दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन है ना, कंपटीशन दोस्तों वो कम है बीएमएस के कंपैरिजन में। आप होम्योपैथिक करके दोस्तों अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं क्योंकि यहाँ इस फील्ड में थोड़ा सा कंपटीशन कम है दोस्तों एज़ कम्पेयर टू आयुर्वेदिक फील्ड। और इसके अलावा दोस्तों आप बीएचएमएस करके दोस्तों सेम जो प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज निकलती है ना, वो सेम निकलती है आरएमओ की, मतलब क्या है दोस्तों रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर्स। वो क्या होता है, आपको दोस्तों एक हॉस्पिटल पकड़ा दिया जाएगा, आपने वहाँ पे जाके उसके स्टाफ्स का वर्किंग जो जो हॉस्पिटल में काम हो रहा है आपने देखना है, चेक करना है, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर्स की दोस्तों जो उसका काम होता है दोस्तों करियर स्टेटस आप जाके देख सकते हैं, वो आपको काम सेम ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोस्तों, चाहे आपने बीएमएस कर रखी हो चाहे आपने बीएचएमएस कर रखी हो। कहने का सीधा सा मतलब है आपको प्राइवेट फील्ड में दोस्तों कहीं पे भी अंतर नहीं मिलेगा दोस्तों, चाहे आप बीएचएमएस करेंगे या चाहे बीएमएस करेंगे, आपको दोस्तों इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आरएमओ के केस में। तो दोस्तों इसके लिए फ़ायदा है क्योंकि बीएचएमएस वाले बच्चे कम करते हैं कोर्सेज एज कम्पेयर टू बीएमएस में, कॉम्पिटिशन दोस्तों बीएचएमएस में कम है बीएमएस में ज़्यादा है। इसी हिसाब से आप मान सकते हैं इसमें सरकारी नौकरी निकलती हैं कभी साल में 1-2 साल में एक बार, तो दोस्तों बीएचएमएस वाले भी लग जाते हैं अच्छी सादी जॉब पे। इसके बाद स्कोप, जैसे कि दोस्तों आपको पता है आज के ज़माने में गवर्नमेंट जो नौकरी मिलनी दोस्तों बहुत ही कम हो गया है, गवर्नमेंट सरकार ने बिल्कुल नौकरी छोड़ी ही नहीं है, कहने का मतलब ऐसा ही है। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर सरकारी की तो नौकरी मिल नहीं रही है, जैसे कि जैसे कट ऑफ इंक्रीज हो रही है नीट की, वैसे दोस्तों हमारी तो दोस्तों ना तो मेडिकल कॉलेज मिल रहा है सरकारी, ना दोस्तों हमें जॉब मिल रही है सरकारी, तो करे क्या दोस्तों। इसी के कारण दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ आपने बीएचएमएस नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आप अपना क्लिनिक खोल के आयुर्वेदा को ज़्यादा सरकार प्रमोट कर रही है, आने वाले टाइम में दोस्तों
आपका दोस्तों फ्यूचर में बीएमएस वाले डॉक्टर को अच्छा सा स्कोप है, जिस हिसाब से आप सरकार प्रमोट कर रही है आपको बीएमएस को, तो इनकम भी दोस्तों बीएमएस की मैं ज़्यादा मानता हूँ एज़ कम्पेयर टू बीएचएमएस। परंतु दोस्तों जो भी आजकल के होम्योपैथिक क्लिनिक चल रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने आते हैं, उस हिसाब से दोस्तों इनकम स्कोप है बीएचएमएस में, नो डाउट। परंतु दोस्तों जो आप इंडिविजुअल एक बीएचएमएस के डॉक्टर के रूप में आपको देखेंगे, खुद का क्लिनिक खोल के देखेंगे, आपको बहुत सारी परेशानी आएंगी दोस्तों, इस हिसाब से आपको इनकम स्कोप थोड़ा कम है। जैसा कि आप जानते हैं इनकम स्कोप थोड़ा कम है, उस हिसाब से दोस्तों बीएचएमएस की कट ऑफ भी थोड़ी कम है, थोड़ी क्या सबसे कम ही जाती है बीएचएमएस की। तो अभी दोस्तों बीएमएस की जनरल कैटेगरी की क्या कट ऑफ जाएगी साल, सबसे बेहतरीन बात बताऊंगा, लास्ट राउंड तक आपने यही ध्यान रखना है, 500 प्लस जाएगी दोस्तों जनरल कैटेगरी की, इससे प्लस ही जाएगी, इससे नीचे मत देख लेना, भटकना भी मत इससे नीचे। और बीएचएमएस के दोस्तों 400 प्लस। इसके बाद दोस्तों ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों एक ही बताऊंगा, और दो तीन नंबर का फ़र्क रहता समझ जाना। ओबीसी के लिए दोस्तों आपकी लास्ट जाएगी दोस्तों 490 या 480 बस प्लस, इससे ऊपर। और दोस्तों बीएचएमएस के केस में 630 प्लस पे जाएगी। अब आपकी बात रही एससी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए दोस्तों 400 नंबर प्लस मानिए इसमें, और यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों 300 प्लस पे। और दोस्तों एसटी कैटेगरी के वाले मौज है उनकी, तो दोस्तों आप मान सकते हैं 380 प्लस पे मिल जाएगा दोस्तों आपको बीएमएस कॉलेज, और यहाँ पे दोस्तों बीएचएमएस कॉलेज मिल जाएगा आपको 285 प्लस पे। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें, आपको पता लग जाए जब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बेहतरीन और खबर बताऊँगा आपको, क्या खबर है, अभी हमारे दोस्तों पेड काउंसलिंग चल रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने दोस्तों काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, आप भी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, जिसके कारण दोस्तों आपकी नीट में 100% जो भी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सीट आपको सूट बैठती है वो आपकी सीट सिक्योर हो जाए। इसके अलावा अभी रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे ऑफर भी चल रहा है, 1999 में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दोस्तों, जिसमें आपकी फुल पेड काउंसलिंग करवाई जाएगी, जिसमें दोस्तों आपने 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन के टाइम देने और बाकी के 499 रुपीज़ आपको सीट अलॉटमेंट होने के बाद ही देने हैं। अभी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो दोस्तों आपको ये ऑफर मिलेगा, और दोस्तों काउंसलिंग स्टार्ट होते ही इसके चार्जेस डबल हो जाएंगे, मतलब 3999 में फिर आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो आप अपने देख लीजिएगा, जिस हिसाब से हमारी सीट भर रहे हैं उस हिसाब से दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करवा देनी चाहिए, क्योंकि लिमिटेड सीट अवेलेबल है हमारे चैनल पे, जिसके कारण हम आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दे सके काउंसलिंग के टाइम पे। और दोस्तों किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो हमारे से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक के द्वारा, यहाँ पे हम वीडियो के नीचे टेलीग्राम लिंक दे देंगे, जिसके कारण आपको कोई भी क्वारीज हो तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।